पीएम मोदी पर लगा 140 करोड़ भारतीयों की फजीहत कराने का आरोप, एंकर रूबिका लियाकत ने किया पोस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल समिट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लिया था और किसी दिक्कत के कारण उन्हें अपना संबोधन बीच में ही रोकना पड़ा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर कुछ ट्वीट किए गए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि टेलीप्रॉम्प्टर खराब होने के कारण प्रधानमंत्री मोदी की बोलती बंद हो गई। लोग ये भी कहकर ट्रोल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीहत करा दी, तो वहीं कुछ लोग उनके बचाव में उतर आए। आइए बताते हैं किसने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वकील प्रशांत भूषण ने कहा, विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करते मोदी, देखें कि टेलीप्रॉम्प्टर के हैंग होने पर क्या होता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता गौरव पांधी ने कहा, दावोस में WEF को संबोधित करते हुए टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया और ग्रेट ऑरेटर को अपने भाषण का और क्या बोलना है इसका कोई अंदाजा नहीं था, बेइज्जती करवा दी। फिल्म मेकर और वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी ने कहा, कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी होने के तौर पर आपको इस मुद्दे पर गंभीरता से बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ देशवासियों की पूरी दुनिया के सामने फजीहत कराई है, ये हास्य का विषय नहीं है, गंभीर सवाल उठाने का विषय है। वहीं ABP न्यूज की चर्चित एंकर रूबिका लियाकत ने विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा, आपकी जानकारी के लिए वीडियो ट्वीट कर रही हूं राहुल जी, 7.5 साल बीत जाने के बावजूद विपक्ष के पास एक गंभीर मुद्दा नहीं। पीएम को घेरने के लिए WEF की रिकॉर्डिंग को सुनिए। पीएम से कहा जा रहा है, सर आप उनसे एक बार पूछिए कि सब जुड़ गए क्या, टेक्निकल ग्लिच और टेलीप्रॉम्प्टर में अंतर है। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।